पिछली क्लास में अपन ने प्रेजेंटेशन को बनाना सीख लिया था। जिन बच्चों को नहीं आया अपने एक बार और बता देते हैं। इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी, आप जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं आप वो टॉपिक यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे माना कि अपन ने यहाँ पर टॉपिक ले लिया अपन एडमिशन ओपन का टॉपिक ले लिया, आप जिस जगह जॉब करेंगे वहां पर उसी हिसाब से आप टॉपिक लेते हैं। जैसे कोई आप नई कार लॉन्च होने वाली है, कहीं शोरूम पर आप जॉब कर रहे हैं, अब आप उस नई कार के बारे में बनाएंगे, पूरी विशेषताएं उसकी लिखेंगे। अगर आप किसी और जगह जॉब कर रहे हैं जो प्रोडक्ट के बारे में कोई बात बताना है वो आप लिखेंगे। कोई मीटिंग होना है किसी विशेष टॉपिक पर तो वो आप लिखते हैं। इस तरह से अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कोई भी जिस टॉपिक पर भी आप समझाना चाहें किसी भी तरह से हो सकता है, आप यहाँ पर लिखें। अब इसका साइज बड़ा करते हैं शिफ्ट कंट्रोल ग्रेटर देन के द्वारा, छोटा करते हैं शिफ्ट कंट्रोल लेस देन के द्वारा। इस तरह से आप साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करने के लिए आप शॉर्टकट की याद जरूर कर लेना। आप जाना फॉर्मेट पर, क्योंकि यहाँ से आपको समय लगता है, फिर आप टेक्स्ट पर जाएंगे, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। जैसे बोल्ड करना है तो आपको याद रखना है कि कंट्रोल बी के द्वारा आप बोल्ड करेंगे। इटैलिक करना है तो ये भी आप ध्यान रखें, कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए। नीचे आपको यदि अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग में जाकर इस सारे सारे शॉर्टकट की यहाँ से आपको याद रखना है। जैसे आपको अंडरलाइन करना है तो आप ये देखो कंट्रोल यू के साथ, कंट्रोल साथ यू प्रेस करेंगे तो आप, तो प्लस का मतलब होता है कि कंट्रोल के साथ आपको इसको प्रेस करना है, कंट्रोल को दबाए रखना है, साथ में इसको आपको बटन को प्रेस कर देना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसमें और भी देखो आप, इस सब यहां पर सारी सारी शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं। आप इन शॉर्टकट की के माध्यम से बड़ी आसानी से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें आपको जैसे कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या और भी कोई चेंजेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे हम आपको अभी इसमें समझा देते हैं। बना तो लिया हमने, वो देना कैसे इसको? हाँ, देने के लिए आपको प्रस्तुतकरण लिखा हुआ इस पर क्लिक करना होता है, या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल F5। तो आप चूंकि मोबाइल में कर रहे हैं तो फिर आप प्रस्तुतकरण पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और उसके बाद आपको स्क्रीन को टच करते जाना है। आप अपने स्क्रीन को टच करते जाएंगे तो एक के बाद एक आगे उसमें आता जाएगा। तो इसमें आपको एक के बाद एक आप टच कर कर और उसको आगे लाते जाएंगे। सबसे पहले क्लिक करना है प्रस्तुत करें पर, आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले इफेक्ट आपने डाल लिए हैं सब, इफेक्ट डालना आ गया बच्चों आपको? चलो सर एक बार हम आपको देना बता देते हैं जल्दी से, थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले हम। प्रस्तुत करे थोड़ी ना लिखा रहता है। तो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन है तो लिखा रहेगा, क्या लिखा रहता है बताओ मोबाइल में, बेहतर आप टच कर लेना। आपके मोबाइल में ओपन करूं अभी, पता लग जाएगा हमको बोल कर बताना तो हम बता देंगे कहाँ पे क्लिक करना है, आप मतलब कहाँ पे टच करना है। अपन यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल ग्रेटर देन प्रेस कर रहे हैं साइज को बढ़ाने के लिए। अब इसमें आपको जैसे कि टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है तो फिर आप टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के लिए क्या करना है देखो, सबसे पहले आप टेक्स्ट को कंट्रोल ए के द्वारा सिलेक्ट ऑल कर लेना। सिलेक्ट ऑल करने के बाद फिर फॉर्मेट पर जाना, फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको टेक्स्ट पर जाना। टेक्स्ट के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई सा भी कलर जो भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पर कलर कर सकते हैं।
इसी प्रकार नीचे वाले टॉपिक को भी कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे, आप फॉर्मेट पर जाएंगे और आप टेक्स्ट पर जाएंगे और कलर पर जाएंगे। हाईलाइट करना है तो यहां से हाईलाइट कलर करते हैं इस तरह से, तो अपन यहां से कलर कर लेते हैं। तो कलर करना सबको आ गया। टेक्स्ट पर जाना है, पहले आपको जो भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना हो उसके लिए आपको टेक्स्ट पर ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहां पर कलर वगैरह जो भी करना है वो कर पाएंगे। अब इसमें इफेक्ट कैसे डालते हैं, इफेक्ट डालने के लिए पहले आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल बार को थोड़ा सा नीचे लेकर जाएंगे, उसके बाद एनिमेट करें पर क्लिक कर सकते हैं आप। एनिमेट करें पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहां पर देखना है, थोड़ा सा फिर नीचे जाना है स्क्रॉल से, और यहां पर लिखा हुआ है फेड इन करें, आप इस पर क्लिक करेंगे और किस तरह से आपको टेक्स्ट में इफेक्ट डालना है वो आप यहां से क्लिक कर इफेक्ट को डाल सकते हैं। जैसे अपन ने यहां पर ऊपर से फ्लाई इन कराया है तो अपन क्लिक करेंगे, ऊपर से फ्लाई इन करते हुए ये टेक्स्ट अपना आएगा। अपन अब नीचे क्लिक कर रहे हैं, अब इसमें कैसा इफेक्ट डालना है तो फिर से अपन यहां पर क्लिक कर रहे हैं एनिमेशन जोड़ने पर, और फिर अपन फेड इन करें पर क्लिक कर रहे हैं, और फिर से अपन इसको ऊपर से फ्लाई इन करा लेते हैं। अब आप कैसे देंगे प्रेजेंटेशन वो मैं बता देते हैं। प्रेजेंटेशन देने के लिए सबसे पहले आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में आप चेक करो आपको ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, आप इसे ओपन करो, फिर हमसे पूछो, हम बताते जाएं क्या क्या आपको करना है। इस तरह से आप सामने स्क्रीन आएगी, फिर आप जैसे कीबोर्ड या माउस से करते हैं तो माउस से क्लिक करते जाते हैं, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते जाते हैं, मोबाइल में आप दे रहे हैं तो आपको स्क्रीन को टच करते जाना है। आप जैसे ही टच करेंगे अगला टेस्ट आपके सामने आएगा। हमने एंटर दबा दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है एडमिशन ओपन, फिर हमने एंटर दबा दिया यहाँ पर आ गया आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा। आप ऐसे ही माउस से क्लिक कर भी कर सकते हैं, और आपके मोबाइल में करेंगे तो स्क्रीन को टच कर भी आप ये इस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो मोबाइल में किसने खोला बच्चों बताओ? खोला किसी ने? पिछली क्लास में आप जरा देखना, हमने पिछली क्लास में एक बच्चे ने मोबाइल ओपन किया था, उसकी स्क्रीन को शेयर भी कर दिया था, स्क्रीन सब बच्चों ने देख भी ली थी, उसकी वीडियो हमने रिकॉर्ड कर अपलोड भी कर दी। तो आप उस वीडियो के द्वारा अपने मोबाइल में किस तरह से आप प्रेजेंटेशन देंगे वो आप समझ सकते हैं। तो वो क्लास में जो बच्चे नहीं आ पाए थे वो उस क्लास की वीडियो को देखना, हर एक वो क्लास जिसको आप मिस कर देते हैं उस क्लास की वीडियो को जरूर देखा करो, आपके लिए देखना जरूरी है, नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप यदि किसी क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं तो हम उसकी वीडियो अपलोड कर देते हैं, जैसे आप जिस टाइम क्लास लेके उस टाइम पे आप नहीं आ पाए बिजी थे तो उस टाइम की वीडियो फिर आप कभी भी देख सकते हैं। हमेशा के लिए आपके पास वीडियो होती है, हम उसको इसलिए अपलोड करते हैं ताकि आप जब टाइम मिले तब आप उसको देख सकें, तो आप उस वीडियो को देख जरूर लेना। तो बच्चों आए समझ में? इसकी शॉर्टकट की भी आप यहां पे प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 प्रेस करने के बाद भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब अपन ने एक स्लाइड बनाई है, और आपको स्लाइड लेना हो तो और स्लाइड लेने के लिए आप यहां पर स्लाइड पर क्लिक करेंगे, स्लाइड पर क्लिक करने के बाद नई स्लाइड पर क्लिक करेंगे, शॉर्टकट की है कंट्रोल M, आप कंट्रोल M भी प्रेस कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर नई स्लाइड पर क्लिक कर लिया, आप देख रहे हैं नीचे नई स्लाइड आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एडमिशन ओपन है तो किस कोर्स में है, अगर आप वो आपको लिखना है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ओपन है। अब यहाँ ऊपर आपको कुछ हेडिंग्स बनाना है तो आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, नहीं बनाना है तो फिर आप इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इस तरह से। आप यहां से इसको कट कर देंगे, आपको नहीं लिखना है तो। अब यहां पर कोर्स आप लिख देंगे, कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ओपन है, तो आपने यहां लिख दिया डीसी लिख दिया, पीजीडीसी लिख दिया। कंट्रोल ए के साथ, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, फिर शिफ्ट कंट्रोल और ग्रेटर देन दबाएंगे आप देख रहे हैं साइज इस तरह से बड़ा हो जाएगा। अब इसमें भी इफेक्ट आपको डालना है तो इफेक्ट आप डाल सकते हैं, इफेक्ट डालने के लिए फिर से आपको वही राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको
एनिमेट करें पर क्लिक करना है और फिर फेड इन करें पर क्लिक करना है। और यहां से आपको जो भी इफेक्ट डालना है आप उसको डाल सकते हैं। अपन यहां से जूम इन करें डाल रहे हैं, तो ये इस तरह से जूम इन अपन अब इसको प्ले कर कर भी देख सकते हैं इस तरह से ये आएगा। अब अपन इसका प्रेजेंटेशन देना है तो कैसे देंगे वो देखो इस तरह से। एक बार फिर से अपन स्टार्टिंग से कर देते हैं आपको। एडमिशन ओपन आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा कोर्स डीसीए एंड पीजीडीसीए। अभी मैंने सिर्फ दो स्लाइड का यहां पर आपको प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाया है। आप और भी स्लाइड स्लाइड ऑप्शन के द्वारा ले सकते हैं या फिर कंट्रोल एम प्रेस कर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी लेकर देखना और प्रेजेंटेशन बनाने का प्रयास करना, और जिनको नहीं आएगा वो हमको बता देना। अब किसको नहीं आ रहा, सबको आ जाएगा जी? तो ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम।